हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि वैक्यूम क्लीनर, ये वैक्यूम क्लीनर है, इसको हमें यूज कैसे करना है इसी पे यह वीडियो है। वीडियो बहुत छोटी सी है तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा ये कार्टून है, इसी पे हम निकाल के वैक्यूम क्लीनर को चलाए हैं, फिर आपको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास आया था आज, तो इसे हमें इंस्टॉल करना था और कर दिया भी हूँ। तो ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्विच होता है ऑन ऑफ जो इस वैक्यूम क्लीनर को चलाता है, और ये दूसरा हमारा पुश बटन होता है जो दबाने पे पूरा फिल्टर क्लीन हो जाता है इसके अंदर जो रहता है। तो ये डायर फर्श से अगर गीली है तो उसको सुखाने में काम करता है, कारपेट पे अगर कचरा है, डस्ट है, तो उसको सब अंदर खींच के बिल्कुल कारपेट को साफ़ करता है। कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको डस्ट खींचना है, डस्ट भी खींचेगा और पानी भी खींचेगा, इसका दोनों काम है। ये डस्ट खींचने का काम है और ये पाइप होती है, पाइप में वाइपर लगा दें तो ये जो फर्श बिल्कुल गीली होती है उसको बिल्कुल सुखा देती है। तो ये पाइप भी लगा सकते हो आप, पाइप कहीं भी किसी भी चीज़ पर, इसको फैन को भी आप साफ़ कर सकते हो, बिल्कुल डस्ट अंदर खींच लेगी। कहीं भी कारपेट हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पर डस्ट ना निकलता हो, जैसे आपका केबल ट्रे हो तो उस पर भी आप लगा के यूज करके पूरी गंदगी इसके अंदर ये खींच लेगा। तो इसका काम यही है। तो ये जो हमारा मॉडल है 65/2 AP, AP का मतलब होता है सेमी ऑटोमेटिक। तो अब इसको हम जब उठाते हैं तो इसके अंदर ये फिल्टर लगा होता है, तो सारा कचरा फिल्टर के अंदर ही ये आ जाता है और खींच लेता है, फिर आपको फिल्टर भी निकाल देंगे तो इसकी गंदगी जो है बाहर निकल जाएगी। तो इसमें दो बटन है, एक आपकी ये स्टार्ट बटन है और एक आपकी प्रेस बटन है। ये स्टार्ट बटन है ऑन ऑफ के लिए, ये आपका प्रेस है, ज़ोर से दबाएंगे तो इसको बिल्कुल फिल्टर साफ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो बना रखे बहुत अच्छा है। ये पाइप होती है तो SS की पाइप है जो कुछ दूरी के लिए आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों एक छोटी सी ये वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपसे एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।